आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। पहली गेंद पर छक्का के पत्तों की तरह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। Assalamu alaikum to all of you. This is me, your presenter Beena Khan, and you are watching 99 News Channel. 99 News Channel में एक बार फिर हम लेकर आए हैं आप लोगों का पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है Sports with 99. Sports with 99 में आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट भी मौजूद हैं. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फरहान राजू साहब की. फरहान राजू जनाब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ एनालिस्ट भी हैं. तो आइए मिलके उनको स्टूडियो में वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब. वालेकुम सलाम. कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र. आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक. PSL सीजन 9 जारी और सारी है. कैसा प्रीवियस जो सीजन हमारे गए हैं 8 सीजन और अभी जो PSL 9 है, इसमें कुछ फर्क महसूस हो रहा है आपको? जी फर्क तो है, क्योंकि टीमों की अगर मैं कारकर्दगी की बात करूं तो उस लिहाज से देखा जाए तो कोटा ग्लेडिएटर जो है वो 3 सीजन से बिल्कुल आउट ऑफ टच था, बिल्कुल ही मतलब उसका कलर आउट था, लेकिन इस सीजन में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है नजर आ रहा है. और इस तरह लाहौर जो है वो 2 सीजन से चैंपियन था, टॉप पे था, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी. इस बार 6 के 6 मैच हार के बिल्कुल डाउन चल रहा है लाहौर. लाहौर के अंदर अपने होम ग्राउंड के अंदर 6 मैच हार चुका है, मतलब ये PSL की एक खूबसूरती नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि क्राउड जो है अपनी होम टीम से जीत की तवक्को करते हैं. अच्छा जनाब फरहान साहब, कल जो है मुल्तान सुल्तान और कराची किंग के दरमियान मैच है और ऑफकोर्स मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस पूरे PSL सीजन आने में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने अब तक जो 6 मैचेस खेले और 6 मैचेस में से मुल्तान सुल्तान ने 5 मैचेस में कामयाबी हासिल की, लेकिन उनको होम का एडवांटेज रहा है इन 6 मैचेस में, जो 5 जिसमें से जीते. और कल जो मैच है वो है नेशनल स्टेडियम कराची में. तो आप क्या समझते हैं कि नेशनल स्टेडियम कराची में अब तो होम ग्राउंड का एडवांटेज नहीं है, होगा मिलेगा मुल्तान सुल्तान को, तो क्या अभी उनकी परफॉर्मेंस वैसी ही रहेगी? देखिए क्रिकेट में एज ए प्रोफेशनल प्लेयर जब क्रिकेट खेलते हैं तो वो होम ग्राउंड और होम एडवांटेज जो है वो टॉस के बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप, मैं आपको मिसाल देता हूं, लाहौर के अंदर अपने होम ग्राउंड पे 6 मैच हार गया. अगर लाहौर लाहौर की आवाजों से जीतना होता तो वो कम से कम 3 या 4 मैच तो जीतता. इसलिए कराची अब तक अपने होम ग्राउंड पे 2 मैच खेला है, वो दोनों मैच हार गया है. और इससे पहले कराची अगर 9 मैच खेला था तो उसमें से 6 मैच हारा था. तो होम ग्राउंड का एडवांटेज, देखें जब आपके खिलाड़ी जो है फॉर्म में हो, परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहे हो, कप्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, आपकी बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब अच्छा परफॉर्म कर रही हो, तो फिर होम ग्राउंड का एडवांटेज इतना नहीं रह जाता. हाँ, क्राउड के लिए एक बड़ा एक्साइटिंग होता है कि अपनी होम टीम को अपने होम ग्राउंड में जीतना देखना चाहती है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. अच्छा आप कुछ बात हम करते हैं कराची किंग के बारे में. जाहिर है कराची किंग भी बड़ा क्रिटिकल टाइम में है इस वक्त, बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन में है इस वक्त, मुझे ये कहना चाहिए बल्कि, क्योंकि अगर हम पॉइंट टेबल पे देखते हैं तो कराची किंग नंबर 5 पे स्टैंड कर रहा है, जो कि ऑफकोर्स कोई अच्छे पोजीशन नहीं है. और इन हालात में जबकि कराची किंग मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और जो उनके जो बैटर हैं कैरन पोलार्ड जो हैं वो 4 दिन की छुट्टी लेके भारत रवाना हो गए और सुना है कि वहाँ पे अंबानी साहब के बेटे की शादी वो अटेंड करेंगे. तो इस वक्त जबकि टीम एक मुश्किल टाइम से गुजर रही है कराची किंग की, क्या ये उनका बेहतर डिसीजन है? क्या एक क्या इसमें प्रोफेशनलिज्म झलकता है? देखें ये सब कुछ जो है वो नज़र आता है कि पैसे की झलक है या फिर अपने रेफरेंस जो है. हालांकि क्राउन पॉलॉट की अगर मैं बात करूँ तो वो IPL से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं. IPL से वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन PSL के अंदर वो कराची किंग ने उनको पिक कर लिया. अच्छा, अब ऐसी सूरत हाल में जब पॉलॉट एक मैच जो है वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से कराची किंग को जितवा चुके हैं और दूसरी मैच में भी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं. कराची के अंदर अगर कुछ पिच हिटर हैं तो इसके अंदर एक करन पॉलॉट थे और उनकी अच्छी परफॉर्मेंस भी चल रही थी. अब हमने देखा है कि राशिद खान जो है वो लिटरली थोड़े इंजर्ड थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं IPL के लिए अपनी तरफ पूरी तरह फिट हूँ, इसलिए IPL के अपने आप को बचा के रखा. इसी तरह कई खिलाड़ी जो हैं वो IPL के लिए वजह से जो है वो इंडिया ने उनको कहा कि आप, हम आपको थोड़ा सा मुआवजा ज़्यादा दे देंगे, आप PSL के लिए नहीं जाएं. तो देखिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इन्फ्लुएंस जो है वो ICC में भी नज़र आता है, खिलाड़ियों की अपनी इंडिविजुअल में भी नज़र आता है. तो दरअसल अब देखें वो एक शादी अटेंड करने के लिए गए हैं, तो कराची किंग की जो ऑनर हैं सलमान इकबाल साहब और कराची किंग के जो थिंक टैंक है उनके लिए एक सवालिया निशान है कि वो इतने बड़े प्लेयर को इस तरह कैसे जाने दे सकते हैं, जब आपकी टीम जो है वो
चार मैच खेल चुकी है, उनके करंट मैच बाकी हैं जहां से उनको डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट थ्री पोजीशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले तीन पोजीशन पे नहीं आते फिर चौथी पोजीशन पे आते हैं और उसके बाद फिर आप कराची की दो साल परफॉर्मेंस भी हम सबके सामने है कि एक मैच जीते दो आठवें सातवें के अंदर सेशन में और दूसरा जो आठवां पीएसएल था उसके अंदर से वो दो मैच जीतने में कामयाब हुए। तो उस लिहाज से उनको जाने देना मैं समझता हूँ कराची किंग के ऑनर के लिए एक सवालिया निशान है, वो किस तरह छोड़ दिया उनको। और वाकई में, और ये अगर आप मेरा ओपिनियन लें तो मैं तो कहूँगी कि ये प्रोफेशनलिज्म के भी बिल्कुल खिलाफ है। कोई भी अच्छा जो हम किसी भी इदारे में हो, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रही, जब हम कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो उसको अच्छे तरीके से उस जिम्मेदारी को बेहतरीन अंदाज में निभाने का नाम ही प्रोफेशनलिज्म है। तो ये बहुत ही वाकई में ये तो एक और टेंशन है जो कराची किंग इस वक्त जिससे गुजर रहा है। कराची किंग इस हालत में जब उनके तीन खिलाड़ी फूड पॉइजन का, 13 खिलाड़ी फूड पॉइजन का शिकार हो चुके हैं और उनके लिए ऐसी पोजीशन पर जाना ये तो और ज्यादा खतरनाक बात है। बिल्कुल सही। और बात कराची किंग की ही हो रही है और जाहिर है लाहौर कलंदर के बाद जो दूसरी टीम इस वक्त मुश्किल से गुजर रही है वो कराची किंग ही है। और कराची किंग ने इस दफा शान मसूद को कैप्टन बनाया है और आप सभी देख रहे हैं कि शान मसूद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मतलब वो इस कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठ रहे और फिर परफॉर्मेंस भी उनकी अप टू द मार्क नहीं है। अच्छा, मसला ये है कि इस दफ़ा तो वो जनाब कैप्टन भी हैं, जैसे प्लेयर होते हैं ना तो उसको एंड टाइम पे हम प्लेयर को आगे पीछे कर दिया जाता है, कैप्टन को इट्स नॉट ईजी, ठीक है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखें ये अलमिया रहा है हमारा कि वो खिलाड़ी टीम का कप्तान बन जाता है, इसकी टीम में जगह नहीं होती, फिर ऐसे मौके पे उसको शफलिंग करना जो है उसकी एक बेइज्जती होती है, कप्तान को आप टीम से ड्रॉप कर दें। हमने देखा कि इमाद वसीम जो कप्तान थे कराची किंग्स से बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो शफलिंग करके इस्लामाबाद चले गए। इससे पहले हमने देखा था कि बाबर आजम जो कि कप्तान थे कराची किंग के, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो पेशावर चले गए। फिर इस सीजन में हमने देखा कि अच्छा एक और अच्छा बॉलर मोहम्मद आमिर वो क्वेटा चले गए। तो कराची किंग ने हमेशा अच्छे खिलाड़ियों को जो है वो छोड़ दिया है। और पिकिंग की अगर बात करें तो ऐसे खिलाड़ियों को पिक कर लेते हैं कि जो कि डी या सी कैटेगरी के होते हैं और फिर उसके बाद आप जीत की तवक्कु भी रख रहे हैं। और फिर ऐसे आपके पास, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि देखें अब क्वेटा ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया या सरफराज को कप्तानी से चेंज करके उन्होंने रैली रोसो को कप्तान बनाया, उसके बाद शेन वॉटसन कोच बने, मुइन खान को कोचिंग से भी मतलब साइड में किया, एक शफलिंग हुई, कोचिंग तब्दील हुए, कप्तान तब्दील हुई, मैनेजमेंट में तब्दीली आई, टीम ने जीतना शुरू कर दिया। आप जब बड़े फैसले नहीं लेंगे तो फिर कराची किंग को जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो फरहान साहब, यानी कि मैं ये समझूं या आप ये आपकी बात का यही मतलब है कि शान मसूद एज अ कैप्टन एक बेस्ट चॉइस नहीं थे कराची किंग की? मैं नहीं समझता, क्योंकि कराची किंग के पास जो है वो अगर आपने कप्तानी दी है तो भी ऐसे बंदे को कप्तान बनना चाहिए कि जो T20 के फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हो। अब शान मसूद के बारे में ये है मशहूर है कि वो टेस्ट प्लेयर हैं और अब पाकिस्तान की T20 टीम में उनकी, अब ये देखें पाकिस्तान की टीम में उनकी जगह है या वो मुसलसल टीम का हिस्सा है, नहीं है टीम का हिस्सा। तो जब वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है तो आपने फ्रेंचाइज की एक टीम का कप्तान बना दिया, कप्तान बना दिया। क्वेटा ग्लेडिएटर, सबको पता है कि पीएसएल सीजन 9 में क्वेटा ग्लेडिएटर ने अपनी मैनेजमेंट में भी तब्दीली लेकर के आए और सरफराज अहमद जो कि कैप्टन रहे इतने 8 सीजन के, उनको भी हटाया और उनकी जगह रायले रोसो को एज अ कैप्टन के तौर पर आगे लेकर आए। तो और इस वक्त पीएसएल सीजन 9 में क्वेटा ग्लेडिएटर की परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार जा रही है। तो क्या आपको लगता है फरहान साहब के ये जो जबरदस्त परफॉर्मेंस क्वेटा ग्लेडिएटर दे रही है, इसमें जो नए कैप्टन है रायले रोसो उनका किरदार है और जो मैनेजमेंट चेंज हुई है, क्या वो भी उनका भी कोई किरदार नजर आ रहा है आपको जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसके पीछे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। क्वेटा के ऊपर बहुत प्रेशर था क्योंकि क्वेटा की टीम को और कराची की टीम को कभी कराची वाले दो जावियों से नहीं देखते, एक ही जावी से देखते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्वेटा की टीम के जो ऑनर हैं वो आरसीए कराची क्रिकेट रीजन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, मतलब कि उनका ताल्लुक कराची से, और उनका कप्तान सरफराज अहमद वो कराची का है, और इस टीम से जो है वो 5 या 6 लड़के वो कराची ही खेलते थे और एक ही क्लब के खेलते थे। तो इस लिहाज से कराची से ज्यादा इस क्वेटा ग्लेडिएटर को हाइट मिलती थी कराची के अंदर जब मैचेस होते थे। तो प्रेशर ये था कि आपने इतने सालों से जब 3 सीजन इतना अच्छा खेला उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस को क्या हुआ, तो ये बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। मेरी आजम खान से इस सीजन से पहले बात हुई थी तो आजम खान साहब ने कहा था कि हमें इस चीज का एहसास है और हम बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो अपनी कप्तान को मतलब कन्वेस किया, सरफराज अहमद का बड़ा दिल था कि उन्होंने अपने कप्तानशिप
छोड़ी, और उसके बाद जब देखा कि कोच मोइन खान पे भी, मोइन खान का भी बड़ा दिल था, वो नीचे आए और शेन वॉटसन उनके ऊपर हेड कोच के तौर पर आ गए। उसके बाद फिर हमने देखा कि इन्होंने जो टीम के अंदर जो चेंजिंग की वो बहुत अच्छी थी। अब देखिए बेस्ट बॉलर है इस वक्त मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद, अबरार को चांस दिया उन्होंने। उसके बाद अकील हुसैन जो कि एक और अच्छा इजाफा था, अच्छा ऑलराउंडर है, वेस्टइंडीज से इनको ताल्लुक है, अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इनको इन्होंने खिलाया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखा। राशिद खान जो है वो एक बेहतरीन स्पिनर था, लाहौर के अंदर अवेलेबल नहीं था, तो सबसे बेस्ट स्पिन अटैक इनके पास आया। और एक और जो हमने देखा कि सिंध प्रीमियर लीग की एक और दरियाफ्ती तारिक, जो तारिक उस्मान जो बहुत ही अच्छे ऑफ स्पिनर हैं, उनको भी खिलाया और उन्होंने भी पहले ही डेब्यू की पहली ही गेंद पे विकेट ली, बल्कि पहले ओवर में दो विकेट ली, स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत किया। और रईस रसूल ने खाली ये नहीं किया, एज ए ओपनर खेले हैं वो मुल्तान सुल्तान से, लेकिन यहाँ उन्होंने अपने आप को डाउन जाके खिलाए, सऊद शकील को ओपनर लेके आए और जैसे रॉय के साथ उन्होंने ओपनर पर ली, खुद नीचे आए और उसके अलावा ख्वाजा मोहम्मद नाफे को उन्होंने ऊपर खिलाया और उसने परफॉर्म करके दिखाया, मतलब एक बहुत बड़ा उनके अंदर एक मैनेजमेंट के अंदर मुझे काम नजर आया, जो उन्होंने काम किया उसका उनको रिजल्ट भी मिला। एक जायलो की टीम खेल ली है, एक फॉर्मेट के साथ टीम खेल ली है, बैलेंस टीम खेल ली है और नीचे भी इनके पास पिच हिटर मौजूद हैं, ऊपर भी परफॉर्म करने वाले हैं। तो नदीम उमर साहब को क्रेडिट जाता है, आजम खान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बातें कराची वालों की सुनी, जो लोग उनके लिए बेहतरी के लिए कह रहे थे, उन्होंने पॉजिटिव तनकीद को पॉजिटिव लिया और अपनी टीम के अंदर तब्दीली की, उसका रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया और आपने एसपीएल का भी जिक्र किया और एसपीएल से भी काफी लड़के गैर मुल्की कोच की तलाश एक बार फिर से बड़ी जोर पकड़ गई है। बहुत जरूरी है क्या कि पाकिस्तानी, जो हम नेशनल टीम की बात करें, हमारी जो कौमी टीम है उसका उसके उसका कोच अगर गैर मुल्की होगा तभी हमारी टीम जो है, नेशनल टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, वरना नहीं कर सकती क्या? यानी हमारे अपने पास भी बड़े अच्छे माजी के हमारे सीनियर एक्स क्रिकेटर मौजूद हैं, तो क्या उसके बावजूद हमें गैर मुल्की कोचेस की ही जरूरत है कामयाबी के लिए? देखिए, हमने जब वर्ल्ड कप जीता था 92 का, तो हमारे पास कोई गैर मुल्की कोच नहीं था, इमरान खान कप्तान थे और इंतखाब आलम कोच मैनेजर दोनों थे। उसके बाद जब हमने दूसरा वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीता तो उसमें यूनुस खान कप्तान थे और इंतखाब आलम इत्तेफाक थे जो है मैनेजर कोच थे। ICC ट्रॉफी के अंदर हमने जो है वो सेमीफाइनल खेला, फाइनल खेला और फाइनल भी जीता। उसके बाद जो एक जो कोच थे वो फॉरेन कोच थे। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेन कोच जो है वो टीम को एकदम से वुशअप करता है, टीम को जीत की तरफ ले जाता है। दो T20 वर्ल्ड कप जो है वो हमने गैर मुल्की कोच से खेले, दोनों हारे, और 3 ICC चैंपियन ट्रॉफी के लिए तीनों हारे, और हमने इसके अलावा 6 वर्ल्ड कप खेले गैर मुल्की कोच से और हम 6 वर्ल्ड कप हारे। तो अगर गैर मुल्की कोच इतना फायदेमंद होता तो हम एक टाइटल तो जरूर जितवाता, लेकिन देखिए यहाँ हमारा जो कल्चर है ना, वो कल्चर इस तरह है कि हमारे टीम के अंदर जो सीनियर प्लेयर हैं उनकी एक पॉजिटिव तौर पर अगर बात करूं मैं तो एक ग्रूमिंग ऐसी होती है कि वो उनकी पावर होती है और वो क्रिकेट बोर्ड को भी जो है वो बड़े फैसले करने नहीं देते और बाजूगत कोचिज भी जब आते हैं तो वो कोचिज भी रहते हैं। हमने देखा जावेद मियादाद इतने बड़े कोच थे लेकिन उनके प्लेयर पावर के आगे वो भी जो है ना नहीं रह सके। फिर उसके मोहसिन हसन खान को देखा, वो इतने बड़े कोच थे, उन्होंने हमें 3 सीरीज जितवाई, उसके अलावा फिर उनको एकदम से हटा दिया गया। तो हमारे यहाँ जब तक प्लेयर पावर खत्म नहीं होगी, अभी भी हम 92 के जो प्लेयर पावर है जो बिहाइंड द स्क्रीन नजर नहीं आते, वो सारा फोकस कर रहे होते हैं, वही टीमों को चला रहे होते हैं। अभी हमने देखा बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को, कि उनकी इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी कि उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को भी हिला के रख दिया और जका अशरफ को इस्तीफा देना पड़ा। तब बहुत ज्यादा हमारी इन्फ्लुएंस है, हमारे प्लेयर पावर बहुत है। तो गैर मुल्की कोच, हमने देखा कि वर्ल्ड कप के बाद गैर मुल्की कोच को भी इस्तीफा देना पड़ा और जाना पड़ा। तो हमारे यहाँ जब तक ये प्लेयर पावर खत्म नहीं होगी तो गैर मुल्की कोच हो या फॉरन कोच हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टीम की परफॉर्मेंस ही टीम को जितवाती है। और मुझे तो लग रहा है कि हम चाहे गैर मुल्की कोच ले भी आए, ये मसला पाकिस्तान के सिर्फ, मैं क्रिकेट से हट के भी बात कर रही हूँ, बहुत सारे इदारों में है। अगर हम जो काम हमारा है ना, हमारा फोकस उस पर नहीं होता जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फोकस उसके अलावा और तमाम डिपार्टमेंट में होता है और हम वहाँ पे अपने दोस्त, अपने भाई, अपने रिलेटिव की जगह बनाने में लगे होते हैं, तो हम परफॉर्मेंस कैसे देंगे? यही चीज है कराची किंग के अंदर भी नजर आ रही है कि कराची किंग जो फॉरन लड़के आ रहे हैं, आप जब किसी कहीं दरबी शायर में जाएंगे या फिर आप पर्थ में जाएंगे, सिडनी में जाएंगे, लंका शहर में जाएंगे, वहां पर जब आप खेल लोगे, आपके मरासिम होंगे, आपके फ्रेंड होंगे, फिर आपकी कोशिश होगी कि जब वो मुझे बुला रहा है तो मैं उसको बुलाऊं। अब आप यारी दोस्तियां निभाएंगे और फ्रेंडशिप होगी, उसके बाद ये प्लेयर ऐसे निकल के आएंगे सामने। और वो कहते हैं ना कि वो
फिर इसी तरह से जो है हम टैलेंट, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान बिल्कुल, में बिल्कुल। लेकिन टैलेंट को मौका ही नहीं मिल रहा ना, क्योंकि वो मौके जो उनका राइट है वो हम लोगों के रिश्तेदारों और क्या कहना चाहिए दोस्ती यारी में उनको बांट दिए जाते हैं, उनकी मोहब्बत हावी हो जाती है, तो जो मेरिट है उसका तो वैसे ही कत्लेआम हो रहा है स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट में भी। फरहान साहब, इस वक्त PSL सीजन 9 में ज़ाहिर है 6 टीमें हैं, 6 फ्रेंचाइजेज हैं, 6 कप्तान हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 कप्तान के बारे में बात करूँगी। वो 3 कप्तान जिन पे ना सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स की बल्कि पूरी दुनिया में जो दुनियाई क्रिकेट है उसकी नजरें उन 3 कप्तानों पे हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूं शाहीन शाह आफरीदी की और मोहम्मद रिजवान साहब की और जनाब हमारे बॉबी यानी बाबर आजम की। 3 मुख्तलिफ टीमों को हेड कर रहे हैं ये 3, मैं 6 की नहीं, मैं भी सिर्फ 3 की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये 3 वो प्लेयर हैं जो कप्तानी की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं इस PSL सीजन 9 में, और जाहिर है तीनों को अपना अपना एक्सपीरियंस, अपना अपना टैलेंट, अपनी अपनी जहानत दिखाने का भरपूर मौका मिल रहा है, ठीक है। यानी हम यूं कह लें कि एक ही मैदान में 3 कप्तानों की परफॉर्मेंस देखने का हमें मौका मिल रहा है PSL सीजन 9 में, ठीक है। तो आपको क्या लगता है PSL सीजन 9 के बाद शाहीन शाह आफरीदी की कप्तानी वाकई में खतरे में है, क्योंकि बाबर आजम उनके मुकाबले में बाबर आजम की कप्तानी PSL सीजन 9 में बेहतरीन शानदार जा रही है, परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रहे हैं, कप्तानी में जो उनके डिसीजन होते हैं मैदान में ग्राउंड में वो भी बहुत अच्छे सबको नजर आ रहे हैं। और अगर हम फिर मोहम्मद रिजवान, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं आपको पता है कैप्टनसी के लिए, तो आपको क्या लगता है कि क्या शाहीन शाह आफरीदी की कप्तानी, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान पूरी दुनिया और खास करके इंडिया मीडिया की मैं ज़रूर मैं बात करूंगी कि वहाँ पे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, वो तो पहले दिन से शोर मचा रहे हैं कि जनाब बाबर आजम को नहीं हटाना चाहिए था और बाबर आजम किसी भी तौर शाहीन शाह आफरीदी से कम नहीं बल्कि उनसे बेहतर हैं, बेस्ट चॉइस बाबर आजम है, शाहीन शाह आफरीदी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में खतरे में है शाहीन शाह आफरीदी की कप्तानी? देखिए, बाबर आजम की अगर बात करें तो बाबर आजम के खिलाफ ही सब बात कर रहे थे, इंडियन मीडिया भी बाबर आजम के खिलाफ बात कर रहा था कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी, लेकिन टीम की कारकर्दगी जो है वो ग्राफ नीचे जा रहा था। अच्छा, अच्छा, बाबर आजम ने 2 वर्ल्ड कप में कप्तानी की और बाबर आजम ने 2 T20 वर्ल्ड कप में, 1 वर्ल्ड कप 50 ओवर का और 2 T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी की और 3 मैचों में 1 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और 1 का सेमीफाइनल खेला और 50 ओवर की क्रिकेट में जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। उनकी परफॉर्मेंस जो है अपनी जो है वो टॉप पे रही, लेकिन वर्ल्ड कप 50 ओवर में बिल्कुल बुझे बुझे से नजर आए, लेकिन उनकी जो उनको टीम से जो निकाला गया कप्तानी उनकी हटाई गई वो उनकी एक ही चीज थी कि वो अपने पसंद के खिलाड़ी खिलाना चाह रहे थे। पहले उन्होंने हैदर अली को, खुशदिल खान को और 3 खिलाड़ियों को इस तरह रखा कि मैं इन्हीं को खिलाऊंगा, लेकिन उनकी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, उसके बाद वो ऐसे कहां गायब हुए पता नहीं चला। उसके बाद फिर उन्होंने अपने चॉइस पर रखा कि मैं जो हूं वो इन 3 खिलाड़ी को खिलाऊंगा, वो 3 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस खराब हुई। शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाना एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि शाहीन आफरीदी इस वक्त जो है वो इंजरी का शिकार थे और दोबारा रिहैप होके आए थे, अभी उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई थी कि उनको जो कप्तान बना दिया गया और उसका नतीजा ये निकला कि न्यूजीलैंड के सीरीज में हमने 5 T20 खेले, 4 में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद जब लाहौर कलंदर के वो कप्तान बने इस सीजन में तो 6 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा, यानी कि आपने 11 मैचेस खेले हैं अगर मैं बात करूं तो उसमें से 10 मैचों में आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा है और वो पाकिस्तान का कप्तान है, उसने अभी जाके T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो ये कितना मोरल डाउन होगा ये कप्तान का। दूसरी तरफ अगर बात करें रिजवान की तो रिजवान ने 6 के 6 मैचेस में से 5 मैचेस जीते हुए हैं और उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत टॉप क्लास चल रही है और मतलब अगर दुनिया में बात करें तो रिजवान जो है इस वक्त जो है वो T20 में बेस्ट 3 प्लेयर में आते हैं और बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर में आते हैं। तो इन दोनों के मुकाबले में शाहीन आफरीदी की ना अपनी कोई परफॉर्मेंस है ना उनकी ना उनकी कोई कप्तानी है, तो देखा जाए तो कप्तानी की दौड़ में मैं समझता हूँ इस वक्त भी जो है वो, लेकिन अभी इनको हटाना इतना अनिवार्य होगा कि अगर बोलेंगे कि अभी तो उन्होंने 1 ही सीरीज में कप्तानी की है और उनको हटा दिया गया तो, लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए तो अभी भी कोई अच्छा एक ऐसा कप्तान होना चाहिए, अगर रिजवान की सूरत में वो हो जाए तो बेहतरीन है, क्योंकि रिजवान की जो है वो कप्तानी हमने देखा लास्ट PSL के अंदर भी बहुत अच्छी थी और जब पाकिस्तान के वो कप्तान बने थे, वाइस कप्तान थे, कप्तानी करे तब भी अच्छी है। तो मेरे लिहाज से इन 3 कप्तानों में इस वक्त रिजवान जो है वो बेस्ट चॉइस है, रिजवान बेस्ट चॉइस। अगर 3 की बात करें, 3 में से किसी एक को बनाना है तो फिर आप, अगर मैं आपको दे दूंगा ये मौका तो आप मोहम्मद रिजवान को जी, क्योंकि बाबर आजम को 3 साल कप्तानी
दे चुके हैं और वो काफी आजमा चुके हैं। हाँ। तो अगर आप दोबारा उनको देंगे तो इसका मतलब आपने पहले क्या बुरी चीज थी जो निकाला और कौन सी अच्छी चीज आई जो आपने इनको दोबारा कप्तानी दी थी, तो ये भी ज्यादती होगी रिजवान के साथ। रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका हक है, रिजवान को मौका मिलना चाहिए। टी20 की बात कर रहा हूं मैं, टी20 फॉर्मेट की आप बात करें। थैंक यू सो मच फरहान साहब, बहुत अच्छी तरीके से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू अगेन, पूरी हमारी जो 99 न्यूज चैनल की टीम है उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा आपने बुलाया, और बहुत अच्छा इजाफा है स्पोर्ट्स के अंदर। देखते थे आलिया रशीद हमारी एक बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थी, उसके बाद सवेरा पाशा, उसके बाद फिर जैनब अब्बास, और अब आपका एक बहुत अच्छा इजाफा है बीना खान की सूरत में स्पोर्ट्स एंकर पर्सन यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मैं आपके लिए गुड विशेस आपके लिए। थैंक यू सो मच फरहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कॉमेंट करना भी मत भूलिएगा, हम आपके कॉमेंट को अपने अगले प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी और भी वीडियोज आप इसी तरह से देख सकें। सो कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स विद 99, बीना खान की तरफ से अल्लाह हाफिज़।